रेडियो की पुरानी यादें पसंद करने वाले सभी श्रोताओं को आईपी सिंह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, रेडियो की यादें एक ऐसी यादें हैं जो सबसे पहले आपको 80 और 90 के दशक में ले जाती हैं। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में रेडियो के विविध भारती पर एक से एक यादगार प्रोग्राम आया करते थे, जैसे कि हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, जयमाला, गीतमाला, खेती किसानी, सखी सहेली और भी कई यादगार प्रोग्राम। दोस्तों, उसी दौर में विविध भारती पर एक और लोकप्रिय प्रोग्राम आता था, हवा महल, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। दोस्तों, हवा महल प्रोग्राम में किसी भी लेखक के कहानी को नाट्य में रूपांतरित करके श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें अलग अलग कलाकार अपनी आवाज से इस प्रोग्राम को और जीवंत कर देते थे। दोस्तों, करीब एक घंटे का ये कार्यक्रम श्रोताओं को अंत तक अपने से जोड़े रखता था। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में फिल्मी जगत के भी कई नामचीन कलाकार जैसे कि ओम सिंह पुरी, असरानी, दीना पाठक, अमरीश पुरी और भी कई प्रसिद्ध कलाकार हवा महल प्रोग्राम में अपनी आवाज़ अलग अलग पात्रों के लिए दिया करते थे और उनकी आवाज़ में ये प्रोग्राम और बेहतरीन हो जाया करता था। तो दोस्तों, आइए उसी हवा महल प्रोग्राम की यादें एक बार फिर से ताज़ा करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार दाग की लिखी झलकी दिल की भड़ास, निर्देशक कमल दत्त। बासंती! अरे भाई बासंती! अरे आ गए आप। क्यों, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? क्यों, घर में आते हुए क्या गाना गाते हुए आते हैं?